दोस्तों भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा चल रहा है और जहां पर ओडीआई सीरीज को हारने के बाद टीम इंडिया ने टी20 सीरीज में वापसी की और वापसी ऐसी की देखने लायक थी। यहां पर टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने बदला ले लिया है और 2-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है। तो वहीं अब तीसरा मुकाबला खेला जाना है और जहां पर यंग प्लेयर्स को मौका मिलने वाला है और बड़े बड़े दिग्गज यानी शिखर धवन, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे बड़े दिग्गज इस टीम का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। यंग प्लेयर्स को मौका मिलने वाला है, तो किस प्रकार से प्लेइंग 11 रहने वाली है, किसको मौका मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, पूरी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह खुश हैं टी20 सीरीज में टीम इंडिया की जीत को लेकर, तो फटाफट अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। और इस सीरीज के बाद आपका फेवरेट बॉलर कौन है, टी नटराजन या फिर शार्दुल ठाकुर, आपको किसने ज्यादा इंप्रेस किया है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दें। तो गाइज अब हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं इस मुकाबले के लिए, तीसरे मुकाबले के लिए। तो एज अ ओपनर केएल राहुल, मयंक अग्रवाल रहने वाले हैं, इनके बाद श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, मनीष पांडे रहने वाले हैं। तो वहीं ऑलराउंडर्स के तौर पर हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर रहने वाले हैं। एज अ स्पिनर युजवेंद्र चहल और पेसर्स की जोड़ी में दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। गाइस शिखर धवन भी काफी सारा क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस प्रकार से ओडीआई सीरीज थी उनमें भी लगातार मैचेस खेले, टी20 सीरीज के दोनों मैचेस लगातार खेले, ऐसे में उनको इस मुकाबले में रेस्ट दिया जाने वाला है और मयंक अग्रवाल आपको केएल राहुल के साथ ओपन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जैसा हमें देखने को मिलता था किंग्स 11 पंजाब के ओपनर्स यानी केएल राहुल, मयंक अग्रवाल जब बैटिंग करने आते थे। तो वहीं इसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है जहां पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, जिनको अभी तो रेस्ट दिया गया है लेकिन वहां के फ्रंट लाइन अटैक बॉलर रहने वाले हैं। तो गाइस सीरीज तो टीम इंडिया जीत चुकी है, आपको क्या लगता है मैच कौन सी टीम जीतने वाली है कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर से बताएं। और सभी क्रिकेट अपडेट्स, लाइव मैच के दौरान सभी हाईलाइट्स, वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें। धन्यवाद।